नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है वसई से, जहां वसई के लोकप्रिय नेता और विधायक हितेंद्र ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कल शाम 7:23 के आसपास हितेंद्र ठाकुर ने अपने ट्विटर हैंडल से मराठी में और अंग्रेजी में दो अलग अलग ट्वीट किए और उस ट्वीट में उन्होंने ये जानकारी साझा की। हितेंद्र ठाकुर ने जो ट्वीट किया आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस ट्वीट में उन्होंने मराठी में लिखा है कि माझी कोरोना चाचणी पॉजिटिव झालेली आहे, माझी प्रकृती चांगली असून काळजी करण्याचे अजिबात कारण नाही, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मी पुढील उपचार घेत आहे, गेल्या 2-3 दिवसात माझ्या संपर्कात आलेल्यांनी आपली कोरोना चाचणी करून घ्यावी, आपण मास्क वापरावा, काळजी घ्यावी। कुछ इसी तरह का अंग्रेजी में आई हैव बीन डायग्नोस्ड विथ कोविड-19, आई एम डूइंग फाइन एंड रिकवरिंग वेल, देर इज नो नीड टू वरी, रिक्वेस्टिंग एवरी वन हू हैज बीन इन कॉन्टेक्ट विद मी इन द लास्ट फ्यू डेज टू टेक सुटेबल सेफ्टी मेजर्स एंड गेट देमसेल्फ टेस्टेड। मराठी और अंग्रेजी में कुछ जो लिखा है उसका एक ही अनुवाद है। हिंदी में कहे तो इन्होंने लिखा है कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मेरी प्रकृति यानी मेरी स्थिति अभी अच्छी है, किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर की सलाह से अपना उपचार ले रहा हूं। पिछले 2-3 दिनों में जो कोई मेरे संपर्क में आया है वो खुद अपना कोरोना टेस्ट करवाए, आप मास्क का वापर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, ये इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ आने वाले कुछ दिनों तक इनके हितेंद्र ठाकुर के जो कुछ कार्यक्रम है उसको रद्द कर दिया गया है। और हितेंद्र ठाकुर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हितेंद्र ठाकुर के जो फॉलोअर है, उनके समर्थक है, उनमें कहीं ना कहीं एक तरह की निराशा छाई हुई है और लोग ये दुआएं मांग रहे कि उनके नेता जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हम भी अपने चैनल पे ये दुआ करते हैं कि हितेंद्र ठाकुर जल्द से जल्द स्वस्थ हो और फिर से जनता के सामने आए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस समय फिर से एक बार कोरोना का दौर शुरू हो चुका है और हर रोज वसई विरार महानगर पालिका भी अपने यहां पाए जाने वाले कोविड-19 पेशेंट की यादी या लिस्ट वो जारी करती है। अभी फिलहाल वसई विरार महानगर पालिका में भी कोरोना धीमी गति से बढ़ रहा है और पूरे देश में कोरोना फिर एक बार बढ़ रहा है। ऐसे हालात अभी फिर से कोरोना के एक बार सामने आ रहे हैं। इतने दिनों से कोरोना की कोई चर्चा वसई विरार में नहीं हो रही थी, लेकिन कल जब हितेंद्र ठाकुर ने ट्वीट किया उसके बाद से कहीं ना कहीं वसई में भी कोरोना की फिर से चर्चाएं जारी हो गई। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786